जिसके लिए बहुत ज्यादा लोग इसको खरीद रहे हैं। ये ANC फीचर के लिए एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, आसपास का साउंड आपको सुनाई नहीं देने वाला। एक्चुअली ANC जो है थोड़ा सा ज्यादा प्राइस में बिकता है। इस हेडसेट का प्राइस है ओनली 1500, ऊपर नीचे चलता रहता है, 25 डेसिबल तक नॉइस कैंसिल करता है। इससे भी ज्यादा बढ़िया बात है 20 आवर्स आपको प्लेबैक मिलेगा। अभी देख लो बॉक्स के अंदर क्या कुछ दिया है। बॉक्स के अंदर फर्स्ट मिलता है ईयरफोन, यूजर मैनुअल, प्रोडक्ट कैटलॉग, 1 ईयर वारंटी कार्ड, टाइप सी चार्जिंग केबल, बोट स्टिकर, लास्ट कुछ ईयर टिप्स। डिजाइन जो है बहुत ही ज्यादा फंकी मिनिमलिस्टिक वे में किया है। 3 कलर वेरिएंट के अंदर मिल रहा है, जिसके अंदर यही सबसे बेस्ट है। हाउसिंग का साइज रेगुलर एयरफोन से थोड़ा सा बड़ा है, बट फिटिंग्स में कोई इशू नहीं आता। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सही तरीके से किया है, यहाँ पे दोनों कलर अच्छे तरीके से स्प्लिट हो रहा है। सामने नथिंग एयरफोन की तरह ट्रांसपेरेंट लुक देने की कोशिश किया, बहुत सारे होल हाउसिंग के अंदर दिया अच्छे तरीके से एयर पासिंग एंड साउंड बैलेंसिंग के लिए। एंड एक बात मुझे ठीक नहीं लगा, पीछे मैग्नेट तो दिया है बट ये ऑन ऑफ के लिए काम में नहीं आता है रियलमी एयरफोन की तरह। अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो बटन प्रेस करके आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। पीछे यहाँ पे बोट का लोगो भी दिया है, तो हर एक जगह पे ब्रांडिंग अच्छा किया है। ओवरऑल ये जो बॉडी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे किया है मुझे उतना भी ज्यादा सही नहीं लगा। रेड के साथ ग्रे उतना भी अच्छा नहीं लगता। जैसे वायर जहाँ पे एयरफोन के साथ जुड़ा है यहाँ पे रेड कलर का प्रोटेक्शन किया है, तो रेड एंड ग्रे का ये जो कॉम्बिनेशन है ये उतना भी ज्यादा परफेक्ट नहीं लगता। अब ये जो दो चेंबर है फुल्ली मेटल है एंड यहाँ पे बोट का ब्रांडिंग किया है। चार्जिंग के लिए साइड में टाइप सी पोर्ट दिया है, जहाँ पे नॉर्मल मोबाइल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। बटन्स के सारे फंक्शन मैं आपको दिखाई दूं, यहाँ पे प्लस माइनस वॉल्यूम अप डाउन के लिए। बीच में जो फंक्शन बटन दिया है ये 3 सेकंड अगर आप प्रेस करते तो ऑन हो जाएगा, 5 सेकंड प्रेस करने पर ऑफ हो जाएगा। एंड साइड में ये जो ANC बटन दिया है इसको अगर आप प्रेस करते तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाएगा, जिसका काम आपको भी पता है। साइड में जो एनवायरमेंटल नॉइज है वो सब कुछ ऑफ हो जाएगा। एंड अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये पे LED सिग्नल भी आ जाता है। कनेक्टिविटी के ऊपर मुझे बिल्कुल इशू नहीं लगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 इसके अंदर दिया है। अपडेटेड ब्लूटूथ वर्जन के लिए एक बेटर कनेक्शन आपको मिल जाएगा, बट फिर से मैं कहूंगा इसका ऑन ऑफ अगर ऐसे ही हो जाता बहुत ही बढ़िया होता। साउंड के अंदर क्रिस्टल बायोनिक साउंड निकलते हैं ये लोग क्लेम करता है, क्योंकि DIRS नाम के एक प्रोसेसर इसके अंदर दिया है। बट मुझे 30 डेज में जो एक्सपीरियंस हुआ बेस बहुत ही बढ़िया है। हर एक बोट के हेडसेट के अंदर हमें खतरनाक बेस देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी यस बेस के अंदर मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। ट्रिबल थोड़ा सा कम है, बेस इतना ज्यादा दिया कि ट्रिबल अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देता, यानी कि साउंड एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ट्रिबल कम दिया है, बेस ज्यादा दिया, इसके वजह से वोकल भी हमें उतना क्लियर क्रिस्टल सुनाई नहीं देता, यानी कि प्रॉपरली बैलेंस साउंड मैं इसको नहीं कह सकता। ओवरऑल साउंड अच्छा है, बेस वगैरह सही तरीके से सुनाई देता है, गाने वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग हर टाइम बेस वाले गाने नहीं सुनते, कुछ पीस गाने स्वीट सॉन्ग अगर आप सुनना चाहते तो उस टाइम प्रॉब्लम आता है। हो सकता है इस बजट के अंदर ANC दिया है जिसकी वजह से साउंड में कॉम्प्रोमाइज किया गया है। एक्चुअली में ये नहीं होना चाहिए था, ANC होना हो साउंड फर्स्ट प्रायोरिटी होता है लोगों का, एक बैलेंस साउंड होना चाहिए था जो इसके अंदर मुझे थोड़ा सा कमियां फील हुआ। मूवी या यूट्यूब वीडियो देखने के टाइम उतना भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट वॉइस वोकल को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता था। अब नॉइस कैंसिलेशन के बारे में बताऊं तो ये ठीक ठाक काम करता है बजट के पर्सपेक्टिव से। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप फर्स्ट टाइम एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन यूज कर रहे हो तो ये आपके लिए जस्ट परफेक्ट है। बट इसको आप प्रीमियम एयरफोन के साथ कंपेयर मत करना, इसका प्राइस है 7000, इसका 1500, डिफरेंस आसमान जमीन का है। अभी इसके अंदर साउंड डिले टेस्ट करते हैं, रियल टाइम साउंड निकलता है कि नहीं वही यहाँ पे हम चेक करने वाले। अगर आप गेमिंग करते तो ये बहुत ही ज्यादा काम में आता है। अगर आप गेमिंग ना भी करते तो नॉर्मल यूजर को भी रियल टाइम साउंड सुनाई देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लूटूथ की वजह से साउंड डिले होता है कि नहीं देख लेते हैं। ये पे 0 के ऊपर साउंड होना चाहिए और ये पे भी 0 के ऊपर साउंड होना चाहिए, आप ध्यान से सुन लो। टाइमिंग बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, स्लाइटली डिले हो रहा है 1 या 2 मिलीसेकंड के आसपास। अभी हेडसेट के माइक्रोफोन टेस्ट कर लेते हैं, फोन कॉल, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, नॉर्मल रिकॉर्डिंग, किसी पर्पज के माइक को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कैसा साउंड करता है। अभी जो साउंड आप सुन सकते हैं ये बोट रॉकर्स 333 ANC के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो समझ सकते हैं कैसा साउंड यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। कॉल के टाइम या किसी और टाइम इसके माइक्रोफोन का आप यूज करते हैं कुछ ऐसा साउंड आपको मिलने वाला है। अभी जो साउंड आप सुन सकते हैं ये बोट रॉकर्स 333 ANC के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो समझ सकते हैं कैसा साउंड यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। कॉल के टाइम या किसी और टाइम इसके माइक्रोफोन का आप यूज करते हैं तो कुछ ऐसा साउंड आपको मिलने वाला है। रिकॉर्डिंग के लिए तो आप ऑब्वियसली यूज नहीं कर सकते, बट नॉर्मल कॉल के लिए बहुत ही अच्छा साउंड है। बिल्ड क्वालिटी में एक चीज बहुत ही बढ़िया किया है, ये ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर मेटल का दिया है। ऑब्वियसली सामने का जो ये हिस्सा है प्लास्टिक का है। अब इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं अंदर के जाली कुछ ऐसा दिखता है, मेटल का दिया है। ओवरऑल आप देख सकते हैं पूरा ट्रांसपेरेंट लुक किया है, नथिंग एयरफोन की तरह। हर एक जगह पे ये जो मेटल का स्ट्रक्चर किया है टूट
टूटने का डर बिल्कुल ही नहीं है एंड लॉन्ग टाइम यूज के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है एंड अच्छी तरीके से ये मोड़ जाता है। किसी भी एंगल पे अगर आप इसको मोड़ना चाहो या बैग के अंदर रखना चाहो बिल्कुल ही टूटने का डर नहीं है। अब ये हेडसेट जो है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एंड लाइट वेट है, लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। लगभग मैंने पूरा दिन यूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये मेटल का बनाया है फिर भी लाइट वेट है, ये सबसे बढ़िया होता है बिल्ड क्वालिटी का काम। अब ये हेडसेट जो है मैंने लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया, बिल्कुल ही कंफर्टेबिलिटी रिलेटेड इशू नहीं आया। नॉर्मली 24x7 आप इसको ऐसे टांग के रख सकते हैं। अब ये पे ज्यादातर जगह पे मेटल का यूज किया है तो अब इसका वेट देख लेते हैं। तो वेट यहाँ पे आया है ओनली 34 ग्राम। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा लाइट वेट है एंड इस ईयरबड्स के अंदर भी फिटिंग्स एंड पेन रिलेटेड इशू मुझे एयर के अंदर नहीं आया। वाटर रेजिस्टेंट में IPX4 का सर्टिफिकेशन ये पे दिया है तो थोड़ा सा पानी के छीटे वीटे ये सह सकता है, बिल्कुल ही भीगा मत देना। अब बैटरी के बारे में बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट रीजन है इसको खरीदने का, नंबर में 150mAh की बैटरी दिया है जिसके द्वारा ये लोग क्लेम कर रहे हैं 25 आवर्स तक बैटरी बैकअप मिलेगा। बट ये पे कुछ बातें लाइक फोन कॉल म्यूजिक में अलग अलग बैटरी बैकअप मिलता है, ANC को अगर आप ऑन करके रखते हो तो भी अलग थोड़ा सा कम बैटरी बैकअप मिलेगा। बट मैंने पर्टिकुलरली एक चीज के ऊपर यूज नहीं किया, मिक्स यूज किया, फोन कॉल म्यूजिक मूवीज ANC ऑन ऑफ ये सब कुछ करके मुझे मिला 18 आवर्स के आसपास। तो बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसकी वजह से आप इसको खरीद सकते हैं। चार्जिंग में भी बोट अच्छा खासा R&D एंड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम कर रहा है, ACP चार्जिंग दिया है जिसकी वजह से मुझे लगा 63 मिनट इस ईयरफोन का फुल चार्ज होने में। तो आप क्वेश्चन था कि मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, जी हाँ मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अगर आप एक फर्स्ट टाइम एक्टिव नॉइस कैंसलेशन यूजर है तो ऑब्वियसली ये आपके लिए जस्ट परफेक्ट है इस बजट रेंज के अंदर। इसके साथ 18 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिला, ये वन ऑफ द बेस्ट रीजन है एंड डिजाइन भी बुरा नहीं है, एक नॉर्मल मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन मुझे लगा। यस अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे एफिलिएट लिंक दिया है, वो सब चेकआउट कर सकते हैं।